Elaf eMedia, most trusted channel. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने दहशतगर्दी के ताल्लुक टेरर लिंक के हवाले से देश भर में कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। ABP न्यूज के मुताबिक जांच एजेंसी की ये कार्रवाई दिल्ली समेत 50 मकामात पर की जा रही है। जस्टिस DY चंद्रचौड़ भारत के 50 वो चीफ जस्टिस होंगे। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस DY चंद्रचौड़ को अगले चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर करने का वारंट जारी किया। जस्टिस DY चंद्रचौड़ 9 नवंबर से अगले चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। दिल्ली में फरवरी 2020 को होने वाले फसादात से मुतालिक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज JNU के लीडर उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उमर खालिद पर फसादात की साजिश का इल्जाम है और वो काफी वक्त से जेल में कैद है। भारत देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से 2.5 किलो मुनशियात बरामद हुई है। BSF के अफसर ने बताया कि 17 अक्टूबर को शाम 8:30 बजे के करीब सरहद पर तैनात 183 बिलियन BSF के अलर्ट दस्तों ने गांव छाना जिला अमृतसर के नजदीक इलाके में पाकिस्तान से भारत इलाके में दाखिल होने वाले ड्रोन का पता लगाया और BSF दस्ते ने इस पर फायरिंग करके मार गिरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बीलारी जिला से कर्नौल जिला के इस यात्रा के दाखिल होते ही पार्टी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। स्पॉन्सर्ड बाय द टाइम्स वॉच एंड मोबाइल्स, ऑपोजिट चित्रा कॉर्नर मेन रोड बिदर, AK रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मैडीपट्टनम हैदराबाद, आगरा फुटवेयर कलेक्शन, मार्केट एरिया मेन रोड बिदर, होप चेस्ट हॉस्पिटल नंदी कॉलोनी बिदर, AK एंटरप्राइजेस एंड होम अप्लायंसेस, AK विला कॉम्प्लेक्स दरगाहपुरा बिदर एंड सफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एड्रेस नियर रेक्स बार एंड रेस्टोरेंट, DCC बैंक रोड बिदर।